दूसरे विश्व युद्ध में भारतीय नेताओं ने ब्रिटेन का समर्थन करने का फैसला लिया था, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि ऐसा करने पर अंग्रेज भारत को आजाद कर देंगे। लेकिन ब्रिटिश सरकार को भारतीय नेताओं का यह प्रस्ताव मंजूर नहीं हुआ। ऐसे में गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू करने का फैसला किया, जिसके पहले सत्याग्रही बने विनोबा भावे। अंग्रेजों को देश से भगाने के लिए 4 जुलाई 1942 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें कहा गया कि यदि अंग्रेज भारत नहीं छोड़ते हैं तो उनके खिलाफ व्यापक स्तर पर नागरिक अवज्ञा आंदोलन चलाएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जयप्रकाश नारायण जैसे वरिष्ठ गांधीवादियों ने इस आंदोलन का खुलकर समर्थन किया। मुस्लिम लीग और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने इस आंदोलन का विरोध किया। 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के बंबई सत्र में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया। ब्रिटानिया हुकूमत इस बारे में पहले से ही सतर्क थी, इसलिए अगले ही दिन गांधी जी को पुणे के आगा खान पैलेस में कैद कर दिया गया। लगभग सभी नेता गिरफ्तार कर लिए गए, लेकिन युवा नेत्री अरुणा आसफ अली हाथ नहीं आई और 9 अगस्त 1942 को मुंबई के गवालिया टैंक मैदान में तिरंगा फहराकर गांधी जी के भारत छोड़ो आंदोलन का शंखनाद कर दिया। गांधी जी ने हालांकि अहिंसक रूप से आंदोलन चलाने का आह्वान किया था, लेकिन देशवासियों में अंग्रेजों को भगाने का ऐसा जुनून पैदा हो गया कि कई स्थानों पर बम विस्फोट हुए, सरकारी इमारतों को जला दिया गया, बिजली काट दी गई और परिवहन और संचार सेवाओं को भी ध्वस्त कर दिया गया। जगह जगह हड़तालें की गई, कई जगह पर लोगों ने जिला प्रशासन को उखाड़ फेंका। गिरफ्तार किए गए नेताओं और कार्यकर्ताओं को जेल तोड़कर मुक्त करा लिया गया और वहां स्वतंत्र शासन स्थापित कर दिया गया। एक तो अंग्रेजों की रीढ़ द्वितीय विश्व युद्ध में टूट रही थी, दूसरी ओर भारत छोड़ो आंदोलन उनकी चूल्हे हिलाने में लगा था। इस आंदोलन से अंग्रेज बुरी तरह बौखला गए। उन्होंने सैकड़ों प्रदर्शनकारियों और निर्दोष लोगों को गोली से उड़ा दिया और देश भर में 1 लाख से अधिक लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इसके बावजूद आंदोलन पूरे जोश के साथ चलता रहा। 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन ही अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है, जिसने देश से अंग्रेजों को भगाने की पृष्ठभूमि तैयार कर दी थी। मंजीत ठाकुर, डीडी न्यूज़।